ओके फर्स्टली ईद मुबारक आप दोनों को। ईद मुबारक आप मुबारक। आज का तो काफ़ी स्पेशल डे रहेगा, अश्नू का बर्थडे भी है। फाइनली शी टर्न 18, व्हाट डू वांट टू से? I will just say that I was very excited पहले से। In fact मैं क्या, हमारा जो पूरा ग्रुप में है उसमें सब में छोटी अश्नूर थी और हम सब यही सोच रहे थे ये कब बड़ी होगी, और अब फाइनली अश्नूर 18 हो गई है एंड हम रात को 12 बजे से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। रात को 12 बजे से ही हम लोग मज़े कर रहे हैं एंड हम फाइनली अब उसकी पार्टी में आए हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। 18 की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा रोल आजकल अश्नूर जी ने किया, कोई ऐसा फेवरेट रोल जो आप शेयर करना चाहो जो आपको काफ़ी पसंद आया हो? आई थिंक हर रोल अश्नूर ने बहुत अच्छी तरह से किया है एंड शी इज़ अ फैब्यूलस एक्टर। आई रिमेम्बर झांसी की रानी में वो बहुत छोटी थी जब मैंने पहली बार आई थिंक उसको देखा था, मैं खुद भी बहुत छोटी थी तभी, लेकिन उसका जो रीसेंट रोल था वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो रीसेंट है तो मुझे बहुत ज़्यादा याद भी है पटियाला बेब्स में। बट शी इज़ अ फैब एक्टर एंड आई एम श्योर कि वो जो भी कैरेक्टर करेगी, वो जो भी शो करेगी, रोल करेगी, वो उसको 100% जस्टिस। ऑनेस्टली आज मैं सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा बिकॉज मेरी आवाज़ इतनी बैठी है तो मुझसे बोला नहीं बहुत चिल्लाया, मैं बहुत मस्ती करी तो मैं उन्होंने बहुत मस्ती करी एंड रात से बहुत चिल्लाया रहा, मैं बहुत मस्ती कर रहा है, सो आई एम नॉट एबल टू स्पीक अच्छे से, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू द पार्टी एंड मीट हर। दिया है, ईदियाँ मिली हैं, बहुत सारी ईदी मिली, हम लोग सुबह से ईदी इकट्ठी कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले अपनी स्टोरी डाली थी कि ईद की शुरुआत ईदी से तो काफ़ी सारी ईदी मिली। बहुत ही आज का दिन बहुत पवित्र दिन होता है तो क्या कुछ कहना चाहोगे कि आज के दिन के बारे में कुछ थोड़ा सा अगर अपने दर्शकों को अपने फैंस को बताएं, ईद का डे आज तो कुछ अगर आप बता सकें। टू बी वेरी ऑनेस्ट इस साल हमने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था कि हम सेलिब्रेट वैसे करेंगे जैसे हम हर साल करते हैं, बट ये सब कुछ सिर्फ रात को प्लान हुआ है और हमने बस रात को सोचा कि नहीं कर लेते हैं एंड एवरीथिंग, बट एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अराउंड विद सच अमेजिंग पीपल एंड फ्रेंड्स हु केम ऑन 11th आवर एंड इट वाज सो एक्साइटिंग, द होल डे वाज वेरी एक्साइटिंग एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन बड़े एक्साइटिंग तरीके से, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू जी, मैं आपसे मैं जाऊं किसके मैं 12 बजे का बर्थडे है मेरा। जनरल जी आपसे मैं जानना चाहूंगा द बर्ड्स ऑफ गेटिंग यू गोइंग इन द खतरों के खिलाड़ी इज वेरी हाई, सो व्हाट डू यू वांट टू से, इज इट ट्रू या फिर रूमर्स है? नहीं नहीं नहीं, दीज आर रूमर्स, आई एम नॉट गोइंग। यू आर नॉट गोइंग? नो नो। ओके थैंक यू सो मच, एंजॉय द पार्टी। थैंक यू, ईद मुबारक। जन्नत जी आइए ना, फोटो कर लेते। पहले फोटो कर लेते हैं ना, थोड़ा पीछे एक स्टेप पीछे। अरे रुकना, पहले फोटो कर ले पांडे, पहले फोटो कर, फोटो कर लो, पहले फोटो कर लेते ना। मैम एक फोटो कर ले, थोड़ा पीछे आ जाओ, एक स्टेप थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ, आना पीछे आना भाई यार। जन्नत जी थोड़ा एक्स्ट्रा पीछे चले जाइए ना, इन तो जाएगा ये बाजू ना, एयरपोर्ट कैमरा तो ये बाजू है। जन्नत जी सामने एकदम, यहाँ पर अरे जन्नत जी सामने देखिए, सामने खड़े अयन जी आ जाओ, आनंद आ जाओ। देखा यार ईद के कपड़े में आया है, थैंक यू। मार वीडियो सामने देखिए, थैंक यू जन्नत जी एक मिनट।
जन्नत जी सर आमज भी मैम वन बाइट बाइट सही है वन बाइट बोल ना यार बोल ना बुलाओ ना भाई आदि 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 क्या हुआ आ रे ले चला हूं ना ये मुझे बैठ 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 सो आई हैव नोन अश्नूर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ हेलो एंड शी इज़ फाइनली टर्निंग 18 आई थिंक उससे ज़्यादा एक्साइटेड फिलहाल और कोई नहीं होगा और उसने शायद अपनी एक नई गाड़ी भी ली है सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हर एंड मैनी मोर टू कम एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल बहुत हार्ड वर्किंग है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है याद एट सर आई विश हर ऑल द लव एंड लक या सबसे पहले कंग्रेचुलेशन आपको आपके सॉन्ग हमेशा से हिट होते रहते हैं सर के साथ आपका सॉन्ग हिट हुआ है क्या कहना चाहोगे उसको लेके थैंक यू मैं हमारी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी हमारे वेल विशेज़ को बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है गाइज अपना प्यार इसी तरह बरकरार रहें और रखें और हम लोग भी आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहें आप दोनों की जोड़ी हमेशा से हंगामा करती है तो हमने सुना है कि राजेंद्र सर हमेशा से आपको एक बार फिर से कास्ट करने वाले कुछ नए शो के लिए उसको लेके आपसे बात हुई है क्या कहना चाहिए बात हुई थी बहुत पहले हुई थी पर जो भी होगा जब भी होगा आप लोगों को दिख जाएगा लॉट ऑफ फैन मतलब आप दोनों एक साथ कभी स्पॉट नहीं होते सर मतलब अभी तो ईद है तो बिजी रहेंगे लेकिन आप दोनों का अभी तो दोनों फ्री है तो कभी एक साथ कब मिलिए बाहर क्यों नहीं मिलते आप स्पॉट आपको कैसे पता हम फ्री हैं मतलब फ्री मतलब अभी तो फ्री रहेंगे ना नहीं हम बहुत बिजी हैं बिजी तो है हम ना नहीं बोल रहे लेकिन जैसे कि अगर अगर टेलीविजन आप करते तो 12-12 घंटे काम करते जी अभी सॉन्ग कर रहे हैं कोई वेब सीरीज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय मिल जाता तो फैंस के लिए क्यों नहीं टाइम निकाल पाते आप अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं निकाल पाते टाइम निकालेंगे बिल्कुल निकालेंगे टाइम आएगा तो निकालेंगे इट्स एन अमेजिंग शो यार बहुत कमाल का शो है सो अगर मैं उसका हिस्सा होंगी या नहीं होंगी वो आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा थैंक यू भी आ रहा है रुबीना जी है एरिका फर्नांडिस है क्या कहना चाहोगे सब बहुत अमेजिंग है आई थिंक जो भी शो करेगा वो अच्छा ही करेंगे अमेजिंग ही करेंगे शिवांगी जी कैसे हो मैं अच्छी हूं आप खुश हो किसी को आप लगे नहीं रहे हां मास्क पहने थे ना मैं पहनी हूं मास्क मास्क पता नहीं चल अरे मैम यहाँ से आ जाइए शिवंगी जी सामने राज शिवंगी सामने सामने विजुअल विजुअल गंदा गंदा गंदा